सिबार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर रमाकांत ठाकुर ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान की पुस्तक अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। हमें जहां अपने अधिकारों की चिंता रहती है तो वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान एक पुस्तक नहीं बल्कि ये देश की आत्मा है। संविधान का सही ढंग से पालन और उसमें दी गई शक्तियों का प्रयोग हमारे शासकों की नियत पर निर्भर करता है। यदि नियत खराब है तो संविधान का प्रयोग करके विनाश भी किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को सौंपने से पूर्व अपनी इसी चिंता से अवगत भी कराया था। कार्यक्रम के समापन के पश्चात डॉक्टर रमाकांत ठाकुर को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना व अभय कुमार सिंह महासचिव द्वारा एक बुके व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार सक्सेना अध्यक्ष तथा संचालन अभय कुमार सिंह महासचिव द्वारा किया गया। और न संविधान का मैं विशेषज्ञ, जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो मुझे सहमति देने में दुविधा हो गई और मैं यह सोच रहा था कि विद्वान अधिवक्ता गण को किसी विधि के प्रोफेसर को आमंत्रित करना चाहिए था, संविधान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी को इन्होंने आमंत्रित किया। और मैं सुन रहा था आपकी अपेक्षाएं हमसे बहुत बढ़ गई। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पूर्व बहुत सारी बातें संविधान के बारे में, इसका ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान कोई क्रांति की देन नहीं है बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम है, सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी। और बहुत दुविधा में एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग बहुत भावनात्मक स्तर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं और यह बात बार बार मेरी कानों में भी आती है कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। मैं बाबा साहब के उन भक्तों से, अनुयायियों से नहीं, भक्तों से निवेदन करूंगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित की गई है। निश्चित रूप से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और यह बात बाबा साहब अंबेडकर, मैं आगे बताऊंगा, स्वयं इस चीज को स्वीकार करते हैं और आगाह करते हैं, आपको चेतावनी देते हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि भारतीय संविधान को आप सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज मानकर चलते हैं, आखिर उस कानून, उस अधिनियम, उस प्रावधान को लागू कहां किया जाएगा? समाज में आपके सामने दो पोल हैं, संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक प्रावधान। आपका जो सोशलाइजेशन होता है, आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपका जो चरित्र का निर्माण होता है, आपके जो विचारधारा का निर्माण होता है, वो समाज में होता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश चंद्र तिवारी, दानवीर सिंह यादव, सुनील कुमार सक्सेना, अनिल गुप्ता, पारुल अग्रवाल, खलील अहमद, विनीत कुमार भटनागर, सीता सैनी, सुनील कुमार बिश्नोई, विक्रम सिंह, अभिषेक भटनागर, प्रमोद प्रत्यकी, महेश चंद्र त्यागी, सुरेश चंद्र गुप्ता, संजय कुमार यादव, आशीष उपाध्याय, जितेंद्र कुमार खंडेलवाल, मनीष प्रताप सिंह, हरिशंकर आर्य, रमा पांडे, मोहम्मद नासिर हुसैन, तंजीम शास्त्री, मयंक श्रोत्रिय, अजीत सिंह, सुनील कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।